ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA2 दुनिया के 57 देशों में फैल चुका है। भारत में भी कुछ जगहों पर इसकी पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA2 को अब तक खतरनाक माना जा रहा था, हालांकि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि BA1 की तुलना में BA2 ज्यादा गंभीर नहीं लगता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन के 3 सब वेरिएंट BA1, BA2 और BA3 दुनिया में सामने आए। ओमिक्रॉन के मामलों में BA1 सबसे खास है। यही ओमिक्रॉन का ओरिजिनल वर्जन भी है, लेकिन ब्रिटेन, डेनमार्क समेत कई देशों में BA2 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या ज्यादा खतरनाक है BA2? न्यूज एजेंसी के मुताबिक WHO की कोविड रिस्पांस टीम से जुड़े डॉक्टर बोरिस पॉवलिन ने बताया है कि डेनमार्क BA2 अब BA1 को रिप्लेस करने लगा है। डेनमार्क में ही BA2 के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि डेनमार्क में मिले आंकड़ों के आधार पर सामने आया है कि BA2 और BA1 में बीमारी की गंभीरता में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि BA2 में BA1 को रिप्लेस करने की क्षमता है। डॉक्टर पावलिन ने कहा है कि दुनिया के बाकी देशों में भी जहां BA2 तेजी से फैल रहा है, वहां अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। वैक्सीन कितनी असरदार है? डेनमार्क में दिसंबर में जनवरी के बीच 8,500 परिवारों को हुई स्टडी में सामने आया है कि BA1 की तुलना में BA2 ज्यादा संक्रामक है। वैक्सीनेटेड भी इसकी चपेट में आसानी से आ जाते हैं। हालांकि डॉक्टर पॉवलिन ने कहा है कि वैक्सीन अब भी गंभीर बीमारी से बचाने में कारगर है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन संक्रमित होने पर भी वैक्सीन गंभीर बीमारी से बचाती है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।